बुधवार को जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक प्रेस वार्ता सेल टैक्स ऑफिस के टैक्स बार सभागार में आयोजित हुई। वरिष्ठ जोनल समिति और जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य संजीव बिहारी भटनागर और विचित्र शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य बिंदु ये है कि उनका संकाय ने दिनांक 10 फरवरी को टैक्स फेडरेशन के फोरम में आजीवन अलग होने का निर्णय ले लिया है। फोरम शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि टैक्स फेडरेशन एक अपंजीकृत संस्था है जो जनपद की 5 कर एसोसिएशन से मिलकर बनी है। 4 कर संघ साथ हैं। इस फोरम का प्रमुख उद्देश्य विधिक परिचर्चा और लीगल सेमिनार आयोजित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने टर्म के अनुसार संघ के अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट थर्ड मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है। वर्तमान में फोरम के चेयरमैन ए.के. सिंघल हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को खत्म हो चुका है। नियम के अनुसार नया चेयरमैन उनकी जोनल टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा नॉमिनेट थर्ड मेंबर को बनाना था, जिसको अभी तक चार्ज नहीं दिया गया था। समिति जोनल टैक्स बार एसोसिएशन, आपको आज इस प्रेस नोट के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी संस्था जोनल टैक्स बार एसोसिएशन मुरादाबाद स्थित समस्त कर अधिवक्ताओं से रिलेटेड जितनी भी एसोसिएशन हैं उनके साथ एक फोरम पर, जिसे टैक्स फेडरेशन कहते हैं, से संबद्ध थी, जिसका चेयरमैन रोटेशन से हर साल जो इसकी संस्थाएं हैं उनको उसका दायित्व मिलता है। हमें इस वर्ष भी वो दायित्व नहीं सौंपा गया हमारी संस्था को, और इससे पूर्व भी एक बार ऐसा हुआ जब हमारा चांस था तो उसको चार्ज नहीं मिला। इसी इशू पर कि हमें संस्था के साथ, इस हमारी संस्था को इस फोरम के साथ जुड़े रहना है या अलग होना है, हमने आम सभा आयोजित की जिसमें समस्त सदस्यों ने सहमति से सहर्ष ये निर्णय लिया कि अब हमें टैक्स फेडरेशन नाम की संस्था से अपने आप को अलग कर देना है। यही मुझे इस प्रेस वार्ता के साथ आपको अवगत कराना है। आज से हम लोग इस संस्था के आदेश पर इससे अलग हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पूरे मंडल की कर संगठनों को एकत्र कर एक जोनल टैक्स फेडरेशन के नाम से रजिस्टर्ड संघ बनाएंगे। उसमें जो भी कार्य होगा संविधान की गरिमा और नियम के अनुसार होगा। अब जो वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता हैं, उन लोगों ने ये उसी दिन, जिस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था अलग होने का, उसी दिन एक घोषणा कर दी थी कि हम जोनल टैक्स फेडरेशन के नाम से एक अपना एक अलग संघ बनवाएंगे, और जिसमें उत्तर प्रदेश की अधिकतर टैक्सेशन जितनी भी बार है उनको उससे जोड़ेंगे, और लगभग हमारे पास 10-15 बार का कॉल भी आ चुकी है। बस अब इस प्लेटफार्म पर लगभग हमारा काम भी पूरा हो चुका है। इस प्रोग्राम करना है, इस प्लेटफार्म पर कार्य है। क्या फायदा मिलेगा आने वाले समय में? और आगे आने वाले समय में अब जो भी हमारे जो नए अधिवक्ता हैं, नए नए अमेंडमेंट हो रहे हैं जीएसटी में, हम समय समय पर हर 3 महीने या 2 महीने उसके माध्यम से एक लीगल सेमिनार, लीगल मीटिंग करवाएंगे, जिससे हमें सभी अधिवक्ताओं को उससे जानकारी मिलेगी। और इसमें अधिक मैं सबसे भी चाहूंगा कि वो भी दो विचार अपने बताएं कि क्या करना है। एक्चुअली